देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भोपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने समय जगत की संवाददाता सुश्री प्रांजल श्रीवास्तव से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के साथ ही सपाक्स आरक्षण और महिला सुरक्षा सहित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। मैं समय जगत से प्रांजल श्रीवास्तव। सर, सपाक्स को लेकर और जो सवर्ण जाति को लेकर आजकल जो पार्टियां लामबद्ध हो रही हैं, तो उनको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी की कुछ विशेष रणनीति है? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक आधार पर जो है ना, वो चुनाव लड़ने में विश्वास रखती है। सपाक्स आज की तारीख में एक पार्टी बन चुकी, राजनीतिक पार्टी, और अब तो वो भी पार्टी बन गए, तो उनको कैसे मैदान में आना वो तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक निर्धारित व्यवस्थित जो है ना, वो चुनाव लड़ने का क्रम है, जिसमें निचले स्तर से और ऊपर तक के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों की सर्वाधिक सशक्त भूमिका होती है, जो जनता के बीच में जाकर सीधा संवाद और संपर्क करके जनाधार को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर चुनाव के मैदान में जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछली बार जो योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचा है, और जिस तरीके से आम व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, मजदूर व्यक्ति की, सबके प्रतिनिधियों ने निकल के आ गए, वो प्रति दुनिया जो है ना, इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि लोकपाल मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। सर, स्वर्ण जाति के और व्यापारी वर्ग कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के? कोई नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, और सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। जिन्होंने बनाया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इतने अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है, विकास जहाँ पर पहुँचा है, उस विकास को फिर उन लोगों के हाथ में जाने दिया जाए जिन्होंने केवल झूठ फरेब की राजनीति की है। भोपाल से संवाददाता सुश्री प्रांजल श्रीवास्तव की। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।